हरि ओम सुप्रभातम्। अद्य वयं शास्त्रतृतीयवर्षे साहित्य प्रथमपत्रे साहित्यदर्पणे उल्लेखालंकारं अपन्नुत्यलंकारं किंच निश्चयालंकारं एतान् चतुरः अलंकारान् पठिष्यामः। अहम शिव शरणनाथ त्रिपाठी, व्याख्याता साहित्ये, राजकीय लक्ष्मीनाथ शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय जेतवाड़ीस्थे जयपुरे। पश्यामः इदानीं उल्लेखालंकारस्य लक्षणम् आचार्य विश्वनाथेन साहित्यदर्पणे दशम परिच्छेदे एवमुक्तं कि क्वचित् भेदात् गृहीतॄणां विषयाणां तथा क्वचित् एकस्यानेकधोल्लेखो यः स उल्लेख उच्यते। ये उल्लेख अलंकार इसका अभिप्राय ये है, वहाँ पर होता है जहाँ पर ज्ञात्रभेद उसको जो सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, अथवा कहीं पर विषय भेद से, एकस्य विषयस्य, एक किसी वस्तु का अनेकधा उल्लेख, अनेक प्रकार से उल्लेख कर देना, वर्णन कर देना, ये उल्लेख अलंकार कहा जाता है। इसका हम पहले गृहीतृभेद और गृहीता के हिसाब से ज्ञात्रभेद से इसका उदाहरण देखेंगे कि प्रिय इति गोपवधूभि शिशुरित वृद्धैरधीश इति देवैः नारायणेति भक्तैर ब्रह्मेत्यग्राही योगिभिर देवः। एक भगवान श्री कृष्ण एक हैं, उनको और गृहीता के भेद से कि प्रिय इति गोपवधू भी, गोपियों ने प्रिय के रूप में उन्हें देखा, शिशुरित वृद्धैः वृद्धों ने, वृद्ध लोगों ने उन्हें शिशु के रूप में देखा, अधीश इति देवैः देवताओं ने उन्हें अपने स्वामी के रूप में देखा, और नारायण इति भक्तैः भक्तों ने भगवान नारायण के रूप में उनका दर्शन किया, और योगी भी ही ब्रह्म इति अग्राही सह देवः श्री कृष्ण, वो भगवान श्री कृष्ण योगियों के द्वारा ब्रह्म के रूप में ग्रहण किए गए, ब्रह्म के रूप में अनुभव किया गया। तो एक भगवान का तत्त्व गुण योगात, उन गुणों के योग से अनेकधा उल्लेख, अनेक प्रकार से उल्लेख किया गया है। तो कैसे गोपवधू प्रभृति नाम रुच्यादय था एवं प्रवज का कारण क्या है, इसमें वो गोपवधू आदि की जो रुचि हैं वो भिन्न हैं, उन्हीं के अनुसार उनके द्वारा ग्रहण किया जा रहा है। ये हो गया आपका पहला रहित्र भेद से। और विषय निबंधन भेद से देखें कि गांभीर्येण समुद्रोसी गौरवेणा से पर्वतः। एक का ही कहा है कि गांभीर्येण गंभीरता में तो आप समुद्र हो, और गौरव में आप गुरुता में, भारीपन में आप पर्वत जैसे हो। यहाँ पर गांभीर्यादि विषय भेद प्रयोजक है। तो ये आपका उल्लेख अलंकार हुआ, जिसके दो भेद हैं, दो उदाहरण दे दिए। अगला है अपन्नुति अलंकार। अपन्नुति अलंकार का लक्षण है प्रकृतम प्रतिषिध्यान्य स्थापनम स्याद अपन्नुति। प्रकृतम प्रतिषिध्य, प्रकृतम अर्थात उपमेयम, प्रतिषिध्य निषेधम कृत्वा, उपमेय का निषेध करके अन्य स्थापनम, अन्य से उपमानस्य स्थापनम, जहाँ पर अन्य की उपमान की स्थापना की जाती है वहाँ अपन्नुति अलंकार होता है। ये दो प्रकार का होता है, कहीं पर तो अपन्नो करके आरोप होता है, और कहीं पर पहले आरोप होता है फिर अपन्नो होता है। अपन्नो यानी गोपन, छुपाना। तो क्रमशः उदाहरण है, पहला है अपन्नम करके, गोपन करके आरोप, कि नेदम न भूमंडलम अम्बुराशिर नयिताश्च तारा नव फेन भंगा नायम शशि कुंडलिता फणीन्द्रो नासौ कलंकः शयितो मुरारिहि। यहाँ पर कहते नेदम न भूमंडलम, ये आकाशमंडल, लेकिन उसका निषेध करे, आकाशमंडल नहीं है, अम्बुराशि है तो जल का राशि समुद्र है। नयिताश्च तारा, ये तारा नहीं, ये नक्षत्र नहीं है, नव फेन भंगा, ये तो नए नए और फेन के टुकड़े हैं, जाग के टुकड़े हैं। नायम शशि, ये आकाश में दिखाई पड़ने वाला चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा, लेकिन उसका निषेध कर रहे हैं। नायम शशि कुंडलिता फणीन्द्रो, ये तो कुंडली मार के बैठे हुए शेषनाग हैं, शेषनाग का वर्ण श्वेत बताया जाता है। नासौ कलंकः शयितो मुरारिहि, और ये जो चंद्रमा में जो कलंक कालिमा दिखाई पड़ रही है ये कलंक नहीं है, निषेध किया गया। मुरारी शेदा तो भगवान, और क्षीर सागर में उस शेषनाग पर शयन कर रहे हैं। यहाँ पहले अपन्नो किया गया और फिर आरोप किया गया। अब पहले आरोप करके फिर अपन्नो का उदाहरण देखिए। एतद् विभात चरमा चलो चूड़ चुंबी डिंडीर पिंड रुच शीत मरीच बिम्बम उज्ज्वालितस्य रजनीम मदनानलस्य धूमम दधत् प्रकटलांछन कैतवेन। ये देखिए, चरमा चल चूड़ चुंबी, अस्ताचल के शिखर का चुंबन करने वाला, और
दिंदीर पिंड रुचि शीत मरीच बिंबम जो है, और ये नींद कहेंगे कि जो झाग होता है उसके पिंड के कांत के समान शीत मरीच बिंबम, शीतल किरण वाले चंद्रमा का जो बिंब है, चंद्रमंडल है, तो कैसा है ये उज्ज्वालितस्य रजनी मदनानलस्य, मदनानलस्य रजनी उज्ज्वालितस्य मदनानलस्य, रात को जलाने वाले कामाग्नि के धूमम दधत, उसके धुएं को धारण करते हुए प्रकट लांछन कई तबिन दिखाई पड़ते हुए इस कलंक के बहाने से, और यह शीत मरीच बिंबम विभाति, ये चंद्रमा का जो चंद्रमंडल है वो सुशोभित हो रहा है। ये पद्य स्वयं विश्वनाथ के द्वारा रचित है, तो यहाँ पर पहला आरोप किया गया है, उसके बाद अपन्न है। अगला एक अपनुति का एक प्रकार और बताते हैं कि गोपनीयम कमप्यर्थम द्योतयित्वा कथंचन यदि श्लेषे नान्यथा वान्यथयेत साप्यपन्नुति, किसी अर्थ को किसी वस्तु को किसी कथंचन गोपयित्वा द्योतयित्वा, किसी अर्थ को एक बार पहले तो प्रकट कर दिया और फिर उसके बाद में श्लेषण श्लेष के द्वारा अथवा अन्य प्रकार से उसको निषेध कर देना कि नहीं नहीं मैंने ऐसे नहीं कहा था, पहले प्रकट कर देना और फिर उसका दूसरे अर्थ में कह देना कि नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं था, इस अर्थ में कहा था, ये भी अपनुति अलंकार होता है। जैसे श्लेष में देखिए काली वारिधराणा मपतितया नैव शक्यते स्थातुम उत्कंठिता से तरले नहीं नहीं सखी पिछिलह पंथा, वारिधराणाम कोई सखी कहती है, नायिका कहती है कि वारिधराणाम काले, वारिधराणाम मेघानाम काले अर्थात मेघाच्छन्ने जरद काले, इस वर्षा काल में अपतितया यानी पति के बिना स्थातुम नहीं हो शक्यते, रहना बड़ा कठिन है, वर्षा काल में पति के बिना रहना बड़ा कठिन है, तो सखी ने कहा उत्कंठिता से तरले अरी चंचले चंचल स्वभाव वाली सखी तुम उत्कंठित हो क्या पति को मिलने के लिए, तो कहती वो निषेध करती, पहले कही तो वही बात लेकिन फिर कहती है नहीं नहीं सखी नहीं नहीं सखी पिछला पंथा है, जो मार्ग हैं बड़े ही चिकने हैं है, फिसलने वाले हैं, क्यों अपतितया, जो वहाँ पर श्लेष क्या है, पहले तो पति का भाव, दूसरा अर्थ है बिना गिरे अपतितया, पति यानी गिरना और नहीं गिरना, तो बिना गिरे रह पाना बड़ा कठिन है, ऐसे मार्ग ही पिछल पिछल हो रहे हैं, चिकने हो रहे हैं, फिसलने वाले हो रहे हैं, कोई भी बिना गिरे नहीं रह सकता है, तो या पहले अपतितया बिना पति के ऐसा कहा था और पश्चात पतना भावेन, पतन का गिरने का भाव ये उसको बदल दिया, ये तो श्लेष में था, अब बिना श्लेष के देखिए यह पुरो नीलकंपित विग्रह मिलति कान वनस्पतिनालता स्मरसि किम सखी कांतरतोत्सव नहीं घनागम रीति रुदाहता, यहाँ पर के सामने देखिए यह पुरा सामने अनिल कंपित विग्रह वायु के द्वारा जिसका शरीर हिलाया जा रहा है कंपायमान किया जा रहा है, ऐसी का लता वनस्पतिना न मिलती, कौन सी लता वनस्पति से वृक्ष से नहीं मिलती है, तो यहाँ पर सखी ने कहा अरे सखी स्वर से किम कांतरतो सबम, अपने प्रियतम से मिलन के क्षण को याद कर रही हो क्या, तो उन्होंने बोले नहीं 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 घनागम रीत रुदाहता, मैंने तो बादलों के समय में क्या प्रक्रिया रहती है यह उदाहरण दिया है, मैंने निषेध कर दिया कि नहीं नहीं मैंने ऐसे नहीं कहा है, तो ये दूसरे प्रकार का अपनुति हो गया अलंकार। और तीसरा अलंकार एक देख लीजिए निश्चय अलंकार है अन्य निषिद्ध प्रकृत स्थापनम निश्चय अपना, ये उल्टा है अपनुति से, वहाँ पर प्रकृत का निषेध करके और अप्रकृत की स्थापना की जा रही थी, उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना की जा रही थी अपनुति अलंकार में, और यहाँ पर अन्य निषिद्ध उपमान का निषेध करके प्रकृत स्थापनम प्रकृति यानी उपमेय की स्थापना करना ये निश्चय अलंकार है। तो जैसे उदाहरण देखें कि वदन विदम न सरोजम नयने नेन्दी वरे एते इह सविधे मुग्ध दृशो भ्रमर मुदा किम परिभ्रमसी, कोई नायिका भ्रमर से कह रही है कि वदन विदम न सरोजम, ये मेरा मुख है भाई, ये सरोज कमल नहीं है, रक्त कमल नहीं है कि कमल मान करके तू यहाँ पर और चक्कर काट रहा है, नयने नेन्दी वरे एते, ये मेरे नेत्र हैं दोनों, नयनम नयने नयनानी एते नेत्रे मम नेत्रे
न इंदीवरे न नीलकमल, ये नीलकमल, नीलकमल से उपमा की जाती है ना नेत्रों की, तो नीलकमल नहीं है दोनों ये तो दोनों मेरे नेत्र हैं। तो इह सविधे मुक्त दृशो भ्रमर हे और भ्रमर, कहते मुक्त दृशा सविधे इस नायिका के पास में मुदा किम परिभ्रम से, कोई सखी कह रही है कि हैं तुम इतने आनंद के साथ यहाँ पर भ्रमण क्यों कर रहे हो, तो ये प्रकृत अन्यन्य सिद्ध उपमान का निषेध किया गया और प्रकृत की स्थापना की गई, उपमेय की स्थापना की गई। तो ये आपका निश्चय अलंकार हो गया और प्रेक्षा अलंकार का अध्ययन आगे करेंगे और इसको आप लोग तैयार करें। धन्यवाद।